हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई मल्टीपल लीगल वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए है। काफ़ी अच्छी बम्पर वैकेंसी है 151। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। पोस्ट डिप्यूटी डायरेक्टर की है, कंपनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोकेशन इंडिया है और क्वालिफिकेशन एलएलबी है। फिर उसके बाद यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2021 का है। अप्लाई फॉर 151 डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर वैकेंसीज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू फिल अप डिप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट थ्रू यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगस्त 2021। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात हुई जो कि अगस्त में आया है, अगस्त 2021 में आया है। जॉब सीकर्स वो आर लुकिंग फॉर ए करियर इन द ऑल इंडिया गवर्नमेंट कैन मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जो कहना चाहिए ऑल इंडिया के लेवल की जॉब करना चाहते हैं, जो जॉब सीकर्स, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करें, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन और बिफोर 2nd of September 2021। 2nd September से पहले पहले इसको फिल कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट, ऑफिशियल साइट पर जाकर 151 पोस्ट है और साथ ही साथ पोस्ट नेम डिप्यूटी डायरेक्टर है। सैलरी एज पर यूपीएससी नॉर्म्स, ये इसमें यूपीएससी नॉर्म्स में होगा। अभी नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है सैलरी के बारे में। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 एलिजिबिलिटी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज पर यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीटेड डिग्री ICWA MBA डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। MBA डिग्री होनी चाहिए या ICWA होनी चाहिए या डिग्री इन लॉ होनी चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ है। एज लिमिट इसमें 35 दी गई है और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स जॉब रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म ज़रूर डालें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। SC ST और PWBD के लिए, जो फिज़िकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं उन लोगों के लिए, या वूमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़ है। मोड ऑफ पेमेंट है ओनली कैश होगा, ऑनलाइन या कैश पेमेंट हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा जो UPSC डिक्लेयर करे। हाउ टू अप्लाई फॉर UPSC रिक्रूटमेंट 2021, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन मोड दिया है अप्लाई करने का और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, करने हैं, लाइक ID प्रूफ लगेगा, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिज्यूम इफ़ एनी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो रिज्यूम लग जाएगा। फिर क्लिक ऑन UPSC डिप्यूटी डायरेक्टर अप्लाई ऑनलाइन लिंक गिवन बिलो, जो ये डिटेल दी गई है, डिप्यूटी डायरेक्टर अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो अभी का रिसेंट फ़ोटो होगा वो लगाना होगा। नेसेसरी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फीस पे द एप्लीकेशन फ़ीस एज पर योर कैटेगरी। और फिर उसके बाद एट लास्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन टू कम्प्लीट UPSC रिक्रूटमेंट 2021 प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैप्चर द एप्लीकेशन नंबर एंड रिक्वेस्ट नंबर फॉर द फर्दर रेफरेंस। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर्म फिल करने की, अप्लाई करने की 13th August 2021 है। लास्ट डेट है 2nd of September 2021। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का होगा 3rd September। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए या MBA स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।